आखिर रूस इतना बड़ा कैसे है? Why is Russia so big? क्या आप उन देशों के बारे में जानते हैं जो दुनिया में अपने क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं? अगर नहीं तो इस लेख के जरिए जानिए उन देशों के बारे में जो अपने बड़े एरिया की वजह से दुनिया के सबसे बड़े देशों के रूप में जाने जाते हैं। रूस अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा देश है और पूरे एशियाई महाद्वीप में ये सबसे बड़ा देश है। इसमें 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा क्षेत्र शामिल है। इसमें शामिल है 1,63,742 वर्ग किलोमीटर की भूमि और 7,20,500 वर्ग किलोमीटर की जल क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि रूस भी पृथ्वी की सबसे पुरानी बसी हुई भूमि में से एक है और इसके प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। रूस के बारे में हमें हमेशा से ये पढ़ाया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन शायद ही कोई समझा पाता है कि रूस का साइज क्या है। अगर आप मैप पर देखें तो आपको पता होगा कि रूस इतना बड़ा है कि वो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है। ना सिर्फ उसका बॉर्डर तुर्की के साथ है, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ भी है, नॉर्वे के साथ भी रूस का बॉर्डर है। रूस और अमेरिका दोनों दुनिया में अलग देखा जाता है, वो एक दूसरे से सिर्फ 3.7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सचमुच रूस का विवाद है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। रूस कभी एक बहुत ही छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उन्हें अपने देश एक्सपेंड करना पड़ा और आज ये बड़ा सा देश आपके सामने खड़ा है। आप दुनिया की सबसे छोटी कंट्री मोनाको को देखिए तो उसका पूरा एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर है। फ्रांस का कुल एरिया 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका का साइज 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा का साइज 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आज से 1000 साल पहले रूस का साइज छोटा था और यहाँ स्वाल लोग रहते थे। इनकी सिर्फ एक परेशानी थी, एक तरफ तो बहुत लंबे लंबे घास के मैदान जहाँ पर कभी भी हमला हो सकता था, और हमला हुआ भी मंगोलों का। मंगोल साम्राज्य जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था पड़ोस पहुंच गया, आगे लोगों पर राज करने लगा। काफी समय तक ऐसा ही चला, लेकिन कोई नाम के एक शहर में कुछ नया होने लगा था। यहाँ पर जानवरों का फार्म बेचने के कारण लोग अमीर होते जा रहे थे और इस पैसे से लोगों ने गन पाउडर खरीदा और इसे इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे ये लोग मंगोलों के खिलाफ विद्रोह करने लगे और यहाँ के लोगों ने अपनी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस समय तक मंगोल साम्राज्य भी इतना फैल चुका था कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, और देखते ही देखते मॉस्को भी मंगोलों के चंगुल से आजाद हो गया और मसूरी का नाम बदलकर बाद में मॉस्को हुआ, जो आज रूस की राजधानी है। अपनी जमीन वापस लेने के बाद लोगों ने कसम खाई कि रूस को किसी का गुलाम बनने नहीं देंगे, लेकिन परेशानी थी लंबे लंबे घास के मैदान, जिसकी वजह से हमलावर कामयाब हो जाते थे। रूस को पहाड़ और नदियां चाहिए थी जो उनके लिए बॉर्डर का काम कर सके, इसीलिए लोगों ने अपने साम्राज्य को और फैलाया और उन्हें पहाड़ियों में कोरल की पहाड़ियां मिली। इन पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद भी आजाद रूस पर हमला होता रहा। तभी रूस पर ईवा हत्यारे बल का शासन काल शुरू हुआ। इवान ने रूसी साम्राज्य को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए सेना को आगे भेजा और वे साइबेरिया तक पहुंच गए। साइबेरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि वहां पर काफी ठंड पड़ती थी। ठंड का मतलब था एक ऐसा हिस्सा जहां से दुश्मन कभी हमला नहीं कर पाएगा। रूस ने साइबेरिया को भी अपना हिस्सा बना लिया। 16वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे रूस और भी जमीनों पर कब्जा करने लगा। एक वक्त पर तो ये हालत हो गई थी कि राजा को पता ही नहीं होता था कि उनकी सेना कहाँ है और किस इलाके पर उसके लिए कब्जा कर रही है। रूस ने इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करके रखा था कि वहाँ के लोग एक दूसरे से किसी भी बात पर राजी नहीं हो सकते थे। संस्कृति अलग, भाषा अलग, इतने ज्यादा अलग लोग आखिर कैसे एक साथ रह सकते थे? विस्तार की कहानी बाकी अंपायर से काफी अलग था। ये ब्रिटिश अंपायर की तरह नहीं था जिसने अपने आर्थिक फायदों के लिए किसी भी देश पर पहले हमला किया, फिर वहाँ पर हुक्मरानों की तरह रहकर देश को लूटने लगे।
रूस ने हर जगह सेना का इस्तेमाल नहीं किया, कई जगह जंग हुई और ज्यादातर कबीले मान भी जाते थे। अभी के मुकाबले तब अलग तरह के लोग रहते थे और उन लोगों के लिए अलग कानून भी था जो राष्ट्रीय मामलों में रिपब्लिकन रूस को अपनी जिम्मेदारी देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारत की तरह रूस भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक नायाब उदाहरण है और वहाँ कई ऐसे कल्चर मिलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं जो कई तरह के भाषा बोलते हैं। सखा अपने हीरों के लिए बहुत मशहूर है। दुनिया के 25% हीरे यहीं से निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ दागिस्तान भी रूस का हिस्सा है और यहाँ मौसम गर्म रहता है। इसी के साथ यहाँ रशियन के अलावा 13 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। आप यहाँ के लोगों के पोशाकों को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो कितने अलग हैं। दागिस्तान में पिछले कुछ सालों से रेसलिंग को लेकर काफी क्रेज है और काफी इंटरनेशनल रेसलर्स यहीं से आते हैं। दागिस्तान से आगे बढ़े तो गोमी आ जाता है। यह जगह खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसके अलावा आप चाहे तो क्यूबा का उदाहरण भी ले सकते हैं जहाँ के लोग सवाल नहीं है बल्कि मंगोल है। वही मंगोल जिन्होंने कभी रूस पर हमला किया था और जो बड़े रशियन वॉर के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन फिर भी ये रूस का हिस्सा है। यहाँ पर द्वार भाषा बोली जाती है और जब 20वीं शताब्दी के मध्य में और दुनिया को सीख देता है कि सीरिया कैसे कई तरह के लोगों के साथ मिलकर भी रखा जा सकता है और देश भी चलाया जा सकता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर इसी में आज के सोवियत संघ के देशों को मिला लिया जाए तो सोचिए आज रूस असलियत में कितना बड़ा होता। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।